दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से नया विवाद शुरू हो गया है। कॉलेज में हुए एक प्रोग्राम में बैनर की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें कॉलेज का नाम वंदे मातरम दयाल सिंह कॉलेज रखा गया था। बैनर सामने आने के बाद एक बार फिर से कॉलेज के नाम को लेकर हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कॉलेज के चेयरमैन और DU के वाइस चांसलर कॉलेज का नाम बदलने की साजिश कर रहे हैं और दोनों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। उस कॉलेज का नाम कभी भी बदला नहीं जा सकता। दिल्ली से कमल कंसल। देखिए, जहाँ तक दयाल सिंह कॉलेज की बात है, नाम की बात है, तो इस पर विरोध पहले भी हुआ था और हम चाहते नहीं थे कि ये लेगेसी जो है दयाल सिंह की वो ख़त्म हो। तो लेगेसी के दो भाग थे, एक तो ये कि भाई नाम उनका रहना चाहिए और दूसरी जो चीज़ थी वो ये कि भाई दयाल सिंह कॉलेज जो है वो उसकी क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब जो पहली बात है नाम की, वो इशू उठा था और उस इशू पर जितनी पंजाबी कम्युनिटी है और जो समर्थक हैं दयाल सिंह मजीठिया जी के, उन्होंने इसका विरोध किया था। बहुत विरोध हुआ था, संसार भर में विरोध हुआ था। और उसको लेकर फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री जावड़ेकर जी, उन्होंने पार्लियामेंट में एश्योरेंस दी थी कि नाम बदला नहीं जाएगा। लेकिन अभी 25 तारीख को एक फंक्शन हुई थी, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुई थी, उसमें उन्होंने वंदे मातरम दयाल सिंह कॉलेज लगा दिया था बैनर में। अब इसकी अप्रूवल कहीं पर भी नहीं हुई है, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग नहीं हुई, ACEC की मीटिंग नहीं हुई। अभी किसने नाम चेंज कर दिया, क्या है क्या नहीं है, हमें पता नहीं। दयाल सिंह मजीठिया कॉलेज का 25 तारीख का जो फंक्शन जो होया, दयाल सिंह मजीठिया कॉलेज का जो 25 तारीख को फंक्शन होया, उस दे अगे नाम लगा दिता गया वंदे मातरम दयाल सिंह कॉलेज। यह एनुअल फंक्शन सीगा जिसका असि सख्त नोट लिया। अज सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने देश के प्रधानमंत्री ना हाईएस्ट लैवल से इस इशू डिस्कस किया है कि क्या लोग सभा अश्योरेंस देने तो बाद क्या लिखती तौर पर HRD मिनिस्टर की अश्योरेंस तो बाद क्या नाम नू बदल के लिखा जा सकता है। नहीं, यह जानबूझ के उतना चेयरमैन कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। असी मांग की है कि उस चेयरमैन सैक किया जाए, हटाया जाए। देखो, दयाल सिंह कॉलेज के नाम बदलने बारे बार बार सानू चढ़ाया जा रहा, बार बार उकसाया जा रहा। दयाल सिंह कॉलेज का ना सिद्धांतक तौर पर भी वैसे भी सूली तौर पर मैं कह सकता भी जरा बदलना वो बहुत बड़े बेइंसाफी है किसी विरासत न किसी व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन न। दयाल सिंह कॉलेज का जिन्होंने दयाल सिंह जी ने जिन्होंने यह कॉलेज बनाया पाकिस्तान तो लैके हिंदुस्तान तक, उन्होंने विद्या के खेत्र बड़ा योगदान पाया। ते बार बार उस नाम बदल दिया गल्लां करनियां जिहदे मानजो मंत्री जिहड़े HRD मंत्री साढ़े प्रकाश जावड़ेकर जी ने पार्लीमेंट दे विच विश्वास दवाता, अखबारां विच लिखत मतलब स्टेटमेंट दे दी सरेआम, मतलब मंत्री जी वल्लों दित्ते इस विश्वास ते हौस विच दित्ते भरोसे तो बाद भी जे कोई व्यक्ति ना बदलन दी गल करदा उह शरारत आ और उस शरारत ते काबू पाना चाहिए, उस शरारती नू काबू करना चाहिए। मिस्टर सिन्हा जो है ने वो बार बार हालात खराब कर रहे ने विद्यक अदारे दे, तो इहदा नोट्स लेना चाहिए मैं समझदा HRD मंत्रालय नू। जी, हमारा तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं है, एक साल हो गया है। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी 12 एकड़ की जमीन में जैसे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कॉलेज चल रहा था वैसे ही चले। वो चाहते हैं कि इवनिंग मॉर्निंग बनके 9000 बच्चे इकट्ठे पढ़े, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब वो दो कॉलेज छोटी सी जगह में बनाएंगे तो उसका वो नया नाम रखना चाहते हैं, जबकि ये जो लैंड है दयाल सिंह मजीठिया जी की वजह से मिली है तो उसका दूसरा नाम कैसे रख सकते हैं वो डिवाइड करके।